नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। मैं आपके साथ विजय। तो चलते हैं बड़ी खबर। टेस्ट में विराट कोहली और स्टीव स्मिथ की बादशाह खत्म हो गई। गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में इंग्लैंड के कप्तान केन विलियमसन ने नंबर एक की कुर्सी पर कब्जा जमाया है। विराट कोहली दूसरे जबकि स्मिथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए। इससे पहले कोहली के साथ संयुक्त रूप से विलियमसन पहले नंबर पर काबिज थे। तो देखते रहिए खास रिपोर्ट हमारे साथ। साल का न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन ने शानदार अंदाज में किया है। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में दमदार शतकीय पारी खेलने वाले इस बल्लेबाज ने नंबर टेस्ट बल्लेबाज के तौर पर साल को खत्म किया। विलियमसन 11 अंकों से विराट को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर कब्जा जमाया। आईसीसी की ताजा जारी टेस्ट बल्लेबाज रैंकिंग में विलियमसन ने 890 अंक लेकर पहला स्थान हासिल किया है, जबकि कोहली 889 अंक के साथ दूसरे नंबर पे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के पास 877 अंक हैं और वह तीसरे स्थान पर हैं। चौथा नंबर ऑस्ट्रेलिया के ही मानस लाबुशाने 850 अंक है। पांचवे नंबर पे पाकिस्तान के बाबर आजम 789 हैं। टेस्ट सीरीज में विराट की गैर मौजूदगी में भारत की कप्तानी कर रहे अजिंक्य रहाणे को पांचवा स्थान का फायदा हुआ है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतकीय पारी खेली थी, जिसके बदौलत वह 11 से 6 नंबर पर पहुंच गए हैं। वही चेतेश्वर पुजारा 8 से 10वें नंबर पर खिसक गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों टेस्ट में फ्लॉप रहने वाले ओपनर मयंक अग्रवाल को 5 पायदान का नुकसान हुआ, वह 14वें नंबर से नीचे खिसक कर 19वें स्थान पर पहुंच गए। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।